हेलो गाइस, सो वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एखन अब टाइम हो रहा है 10:45। सो ये जो हो रहा है ना, ये हो रहा टाइम कितना हो रहा। सो एक बार किसी ने पूछा परमर सर से कि सर टाइम कितना हो रहा, तो सर ने बोला कि 10:10 हो रहा है, कहीं जाना है क्या। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, परमा सर अब छुट्टी पे गए हैं, सो उनकी स्टडी को मैं मिस कर रही हूँ। वैसे भी क्या फायदा, मतलब सर ने बोला है कि अगर आप PYQ उनका जो सीरीज है उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो तो वीडियो देख के कोई फायदा नहीं। तो ये सच है, क्योंकि मैंने उनका वीडियो देखा था बट मैंने रिवाइज नहीं किया, इसलिए मेरा मार्क्स बहुत कम आया, बहुत इतना कम कि मैं बोल भी नहीं सकती। मतलब आई जस्ट कांट से इट। चलो बोल देते हैं एंड एक चैलेंज करते हैं कि अब जो मार्क्स आया है उससे ज्यादा मार्क्स मुझे नेक्स्ट टाइम आएगा, ठीक है। तो मेरा मार्क्स आया है 3.5 out of 25। यस, कैन यू इमेजिन, सच में। ओके, तो आज कितना डेट है, वो टुडे इट इज 22nd of July और 29th of July, एक हफ्ते बाद। सो लेट्स टेक अ प्रोमिस दैट एक हफ्ते बाद 29th July मेरा नंबर 20 से ज्यादा होगा, ठीक है। और अब एक काम करते हैं कि नाउ लेट्स थिंक ऑफ समथिंग गुड, नॉट लेट्स समथिंग गुड। तो मैं क्या बोल रही थी कि सुबह मैंने उठी, इन द मॉर्निंग आई जस्ट वेक अप, एंड जब मैं उठी तब एक्चुअली मैं अलार्म देती हूँ क्योंकि परमार सर का मुझे सुबह में वो मेडिटेशन करना होती है। मुझे पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ रही। तो मैंने सोचा कि मैं अलार्म देके रखी थी कि 6:45 मैं उठ जाऊंगी, बट अलार्म बजते रहे, हमने नहीं उठा। फिर परमार सर ने बोला कि आज मेडिटेशन नहीं होगा, वो छुट्टी पे गए हैं। तो वो मतलब भेजते रहते हैं फोटो वगैरह, बहुत अच्छा बात है ऐसे तो। और मैं उनकी बातें क्यों करती हूँ यार, कोई देख भी नहीं रहा होगा, कोई नहीं देखता मेरा वीडियो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, सो एक्चुअली मैं वीडियो अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए बनाती हूँ, पता है, क्योंकि समटाइम्स आई फील वेरी लोनली एंड इट इज द ओनली वे टू कोप विद दैट फॉर मी। सो सुबह मैंने जब उठी तो फिर उसके बाद मैंने मैथ स्टार्ट किया, क्योंकि मेडिटेशन के बाद। और सो मैंने क्या किया, परमार सर का पुराना लेक्चर सुनने लगी। तो सर बोलते हैं कि मेडिटेशन के बाद तुरंत आप यू कैन जंप ऑन द टॉपिक विच यू फील्ड वेरी अफ्रेड, लाइक जिसको आपसे बहुत डर लगता है, जो सब्जेक्ट में आपको डर लगता है। तो मैं मैथ शुरू किया गगन प्रताप सर का लेक्चर से। एक्चुअली मेरा मैथ बहुत ही खराब है एंड इट इज ट्रू दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 level एंड मैथ्स में मुझे 5 आता है, ठीक है, 25 मुझे, 50 में मुझे 5 आता है। मतलब सोचो, मेरी हिम्मत देखो, मुझे जी जनरल नॉलेज में मुझे 3 आता है, मैथ में मुझे 5 आता है, और मुझे क्रैक करनी है CGL, वो भी 2 महीने में। सो यू नो, पता है कुछ पागलपन है या जो भी है, यू नो, अच्छा के लिए है। इस उम्र में तो लोग कितने कुछ करने लगते हैं ना, फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई नो दैट आई कैन डू इट। और नेगेटिविटी की तरह देखूं तो मेरा भी बहुत खामियां हैं, क्योंकि एक साल पहले ही मैंने सोच लिया था सितंबर में 2023 कि मैं करूंगी, बट मैं नहीं कर पाई। तो अब यू नो, जो पूरे साल सोते हैं उनको 2 महीने में तो मेहनत करना पड़ती है, देखते हैं कर पाते हैं नहीं। बट डोंट जज गाइस, मतलब ये मत कहना कि नहीं होगा, मुझे हर्ट हो जाएगा अगर नहीं होगा। तो रामू सर कल बोल रहे थे कि आप अपने आप को जो भी सोचो क्या फर्क पड़ता है, यू नो, इफ यू गिव द मॉक टेस्ट देन यू अंडरस्टैंड एंड इट शोज योर रियल फेस। सो क्या छुपाना है यार, कल मैंने मॉक टेस्ट दिया पंडित का और नंबर भी बता देती हूँ। मेरा नंबर आया है 72 out of 200 एंड परसेंटाइल आया है 12%। वो भी मैं अब चाहे तो मैं दे सकती हूँ, मतलब ये देने का भी कोई बात नहीं, मैं तो बड़ा चढ़ के नहीं बोल रही हूँ। ओके, सो आज है 59 डे, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक मैं 60 डेज चैलेंज कर रही हूँ, ठीक है। बट मैं एक तारीख, ये जो चैलेंज का फर्स्ट डे है ना, वो मैं बहुत कर चुका, आई हैव डन अ लॉट ऑफ
डे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, एंड ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट डे के स्टार्ट करके 60 डे तक आ ही नहीं पाई. सो मैंने सोचा क्यों ना 60 डे से ही शुरू किया जाए और एक में थमा जाए अपने आप को. सो लेट्स स्टार्ट 59 डे. तो आज मैंने बना लिया है अपना रूटीन, सो आप सबको मैं वो शो करूंगी. लेट्स सी, ये है मेरा डायरी एंड ये सुंदर सा जगह जहाँ पे मैं जाऊंगी मेरे एग्जाम के बाद. एंड सो मैंने सोचा मेंस्ट्रुएशन गगन सर का मैंने सुबह से कर रही थी यार, बट मेरे को समझ नहीं आया. सो आफ्टर वॉचिंग फॉर 4 मिनट्स ऑफ 2 आवर्स वीडियो आई स्टॉप इट, बट नाउ फिर से शुरू करेंगे. उसके बाद न्यूज रीड करेंगे. मेरा डैड लेकर आया है न्यूज पेपर जो कि मुझे रीड करनी है, एंड मैं ऑफकोर्स उसको रीड करूंगी. और ये मेरा जम्बू जी है और 100 सिनोनिम करेंगे किरण के बुक से, एंड देन 1 चैप्टर ऑफ इंग्लिश ये एस पे बख्शी का होने वाला है, एंड ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे फिर से किरण से, एंड देन परमार सर का. परमार सर इस क्लास में ही लेंगे फिलहाल, तो आज सोमवार है, टुडे इज मंडे बिकॉज ही इज इन हिज विलेज. एंड तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके पे, क्योंकि 4 दिन का छुट्टी मिल गया है, तो मुझे लगता है कि पहले पता होता तो शायद मैं प्रीवियस ईयर मतलब उनके जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको फिर से रिवाइज कर लेती. तो फिर मैंने सोचा कि 9 से लेकर 14 तक ऑल रीडिंग कर लेते हैं. एंड देन जीके बुक में पंडित का टारगेट आता है जो कि फिजिक्स का है, तो मैंने सोचा कि फिजिक्स का कर लेते हैं. उसके बाद गगन सर का जो नोट्स है उसको मुझे रिवाइज करनी है एंड राइट करनी है मेरी जम्पू वाली बुक में, एंड उसके बाद मुझे E1 कोचिंग सेंटर का मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड वो करना है, क्योंकि यू नो इन माय रीजनिंग आई हैव स्कोर 36 out of 50. सो एट द वीक पॉइंट इन माय रीजनिंग इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड नंबर सीरीज, सो आई थिंक आई शुड फोकस ऑन दिस टू. सो आई विल डू दैट, एंड देन 1 आवर प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स का फिर से. एंड सो गाइज, एज यू ऑल नो एंड यू अंडरस्टैंड दैट माई हार्ड सब्जेक्ट इज मैथ्स, सो मैथ में मुझे फोकस करना है. एंड उसके बाद नाइट में मैं सोचा कि 6 बजे के अंदर ये सब कर लेंगे, और 7 बजे से 11 बजे तक वो 4 घंटे आई विल पंडित मॉक्स टू कर्नलाइज वो करेंगे, एंड प्रीवियस ईयर जो मैंने मॉक्स लगाती थी उसका कुछ लगाएंगे, ताकि मैथ्स में एंड ऑल सब्जेक्ट्स में मुझे एन एवरेज 30 मिले. सो 30 in 40 120 भी मिल सकती है. तो गाइस थैंक यू एंड लव यू ऑल. देखते हैं कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं. एक क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के जो डायगोनल है वो 13 है.